गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। हालत देखो क्या हो गई, अभी नहाकर आया हूँ, इतना पसीनों में हालत डाउन हो गई है। फिलहाल अभी टाइम हो गया है शाम के, मतलब गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। टाइम हो गया अभी शाम के 7 बजे का, मैं जा रहा हूँ बाहर। ईद का टाइम है वैसे, अभी कोई प्लान तो नहीं है कहीं बाहर जाने का। मुस्कान गई हुई है अपने सभी फैमिली वालों के साथ में घूमने, तो मैंने कहा चलो ठीक है बाहर जाते हैं। और एक बहुत जरूरी काम है, और वो जरूरी काम आपको वहीं पहुँच के पता चलेगा, क्योंकि मुझे खुद कन्फर्म नहीं है कि वो हो पाएगा या नहीं। तो फाइनली पानी वानी भर के नहा धो के प्रॉपरली रेडी हो गया हूँ, कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। बस नीचे मत जाना क्योंकि नीचे थोड़ा सा बेइज्जती वाला मामला है। कैप लग गया है, शर्ट टी शर्ट, चलो चले जाते हैं नीचे। फिलहाल ये जूते पहन के फटाफट यहाँ से निकलते हैं। बस पिछले काफी टाइम से बारिश का इंतजार किया जा रहा था, मगर आज फाइनली सुबह इतनी खतरनाक कड़ाके वाली बारिश हुई। और कुदरत की बात देखो कि मेरी सुबह ऑटोमेटिकली आँख खुल गई। फिर मैंने क्या, मैंने खोली गैलरी, थोड़ी देर में खड़ा रहा, मैंने देखी बारिश, ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा क्योंकि एसी चल रहा था। अगर एसी ना चल रहा होता तो मैं बारिश में जाकर नहा लेता। मैंने कहा भैया ठीक है, नहाना बेकार है, इज्जत के साथ में सो जाते हैं। हर काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पैसे वैसे सब रख लिए, बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, बस सिर्फ इतना ही। बाकी अदरवाइज पैसे कम पड़े तो हमारे पास कार्ड है ना यार, खुद का डेबिट कार्ड। अब चलते हैं शूज पहन के बाहर। मोटो व्लॉग मैं करूंगा नहीं, नॉर्मली बाहर ऐसे रोड का व्लॉग बना देंगे छुट्टी, बिकॉज क्योंकि आज मेरा सिर बहुत ज्यादा भारी भारी हो रहा है, तो हेलमेट वगैरह लगाऊंगा बड़ा वाला, जिससे मेरा और सिर पैन होने लगेगा। तो इससे अच्छा है छोटा हेलमेट लगाते हैं, उसमें कोई सुविधा नहीं है ना, इसलिए। फाइनली बाहर आ गए, मौसम हो रहा है गुलाबी गुलाबी। पहले पेट्रोल हुआ भरवाते हैं, पेट्रोल हुआ के बिना तो गाड़ी चलती भी नहीं है, मगर मौसम ने मजा बांध दिया भाई। पिंक पिंक मौसम हो रहा है, 7 बजे का टाइम है इसलिए मजा हो रहा है। और अभी फिलहाल मैं ये नहीं पता कि मैं कहाँ पहुँच के मिलूँ, मगर जहाँ भी मिलूंगा जरूर। भैया यहाँ हेलमेट वाला लगा लेते हैं जल्द से जल्द, कभी चलान कट जाए। चलान से पहले अपनी भी फिक्र होनी चाहिए ना साथ में, तो यहाँ हेलमेट वाला लगाते हैं और फिर उसके बाद से पेट्रोल भराते हैं फिर निकलते हैं। ग्रीन लाइट हो रखी है सामने, मगर हमें नहीं चाहिए, हमें पहले हेलमेट वाला लगाना है। यहीं रोक लेते हैं गाड़ी, यहीं बढ़ जाए। बदबू आ रही है यार, ये वाला हेलमेट लगाने वाला हूँ मैं छोटा सा, ऐसे करके ऐसा, ठीक है ना। कैप भी लग गया, हेलमेट भी लग गया, तो फाइनली गाड़ी का पेट हमने फुल करा दिया है, यानी कि पेट्रोल पूरा भर गया। पीछे मौसम देखो यार पेड़ आ रहा है ना, तो ये भी जरूरी है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं मौसम का नज़ारा, देखो क्या प्यारा मौसम हो रखा भाई। गुलाबी मौसम है, प्यारी प्यारी हवा चल रही है, ठंडा के मौसम में नमी है, थोड़ी सी गर्मी का एहसास नहीं है, घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये देख के पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही है, वाह, कमेंट भी अच्छी कर लेते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ गुरुद्वारे पर, यानी कि चांदनी चौक का गुरुद्वारा। और यहाँ पर तो काफी ज्यादा चकाचौंध हो गई है, बहुत टाइम के बाद आया हूँ, बिकॉज यहाँ पीछे देखो कितना क्राउड चल रहा है यार। और सबसे अच्छी बात यह कि रोड खोल दिया गया है, यहाँ गाड़ी रिक्शे सब लेके आ सकते हैं, मगर जाम ना लगे यार, बस ये अच्छा लगता है। पीछे गुरुद्वारे का नजारा है, मतलब मैं एक अलग ही रोना होती है, एक अलग ही वाइब आती है यहाँ पर आने के बाद। अब उस इम्पोर्टेंट चीज के लिए मुझे कहीं और जाना होगा, यहाँ तो दाल निकल पाएगी अपनी फायदा पे, मगर फिर भी देखते हैं। पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बदलाव आ गया यहाँ रोड पर, हालांकि टाइम तो लगा बनने में, मगर बढ़िया लग रहा है। अभी फिलहाल हम आ चुके हैं नई सड़क पर। यार यहाँ पौधे लग जाए ना भर के तो काफी अच्छा लगेगा। रोड पे ध्यान से निकालनी पड़ेगी, गाड़ी स्लिप हो सकती है। अरे वाह, यहाँ तो लाइटिंग भी लग गई भाई सभी जगह, काफी अच्छे लग रहे हैं यार ये खंबे, पूरे आगे तक के हैं फतेहपुरी मस्जिद तक। ये आ चुके हैं फतेहपुरी मस्जिद के स्ट्रेट पर। अभी परसों यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ाई गई है। अभी मैं चल रहा हूँ सीपी की गलियों में, यानी कि कैनॉट प्लेस की गलियों में। जिस काम से आए थे साला वो काम ही नहीं हुआ, नसीब क्या कर सकते हैं, मजबूरी। आगे की ओर देखते हैं, पूरा सर्कल घूम लिया भाई पैदल, गाड़ी एक जगह लगा के। और खास करके मैं देखने आया था एक्सेसरीज हाथ के लिए, वो पहनते हैं ना नॉर्मली, मेरी थी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैंने कहा नहीं ले आएंगे, नहीं लेने के लिए इतना ज्यादा भटकना पड़ रहा है। और स्पेशली मुझे अच्छे से पता है कि जो एक्सेसरीज यहाँ मिल जाती है उसके पास में वो कहीं नहीं मिलती, तो इसलिए यहाँ पर आया था मैं इतनी दूर। 15 किलोमीटर पैदल चल लिए, 3 किलोमीटर पैदल चल लिए। काफी टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि पैदल निकले, गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी भूल गए थे कहाँ लगाई, इधर ही इधर अंदर गाड़ी वो लगा रहा था बोर्ड, हम सोच रहे थे हमारे ऊपर बोर्ड गिर जाएगा, वहाँ सामने। इतना लंबा पैदल चलने के बाद हमारी गाड़ी आ गई है, चलो निकालते हैं भाई, कहीं भी नहीं है जो लेने आए थे। टच पसीनों में हालत खराब हो गई है, यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, हेलमेट लेते हैं, निकलते हैं और अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं। कुछ पता नहीं है, जो चीज़ लेने आए थे वो तो मिली नहीं यार, इतना लंबा पैदल अलग चल लिए। क्यों बोल रही है भैया, लाइटिंग जल रही है। अरे यार लोग तो खोला नहीं, इधर से निकालनी पड़ेगी गाड़ी, अंदर से सर्कल घुमा लेंगे। इतना सुकून मिला बैठ के यार, हालत खराब हो गई घूमते। हाँ क्या मस्त वाली हवा लगी, ये मौसम सुहाना। स्क्रीन कौन चुरा के ले गया सामने से, इतनी प्यारी स्क्रीन लगी थी यार, फिल्म में देखते थे यहाँ पर आशिकी 2 चलती थी, पता नहीं कहाँ गई अब।
सो फाइनली गाइस, आज पूरे दो दिन के बाद व्लॉग कंटिन्यू करने का मुझे मौका मिल रहा है। हम उस दिन गए थे, एक्सेसरीज क्या हो गया, अरे यार शिट, मैं अंदर ले आया। तो आज फाइनली दो दिन बाद इस वाले व्लॉग को कंटिन्यू करने का मौका मिल रहा है। परसों मैं गया था, वहां पर मुझे एक्सेसरीज मिल नहीं पाई थी, पता नहीं किस रीजन से नहीं मिली, वैसे तो वहां पर मिलती है एक्चुअली में, मगर आज मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह और वहां ट्राई करेंगे, देखेंगे मिलती है या फिर नहीं। कूलर में लगा पाइप मैंने ऐसे खींच लिया, सारा पानी पानी हो गया सब जगह। मशीन लगाओगी ना कपड़े धुलेंगे, तो इसलिए अभी सारा तो धुलेगा। देखो यहाँ पर भी सब पानी पानी भर गया, बिकॉज बाहर कैट से कूलर में पानी भरना पड़ता है ना। अरे कहाँ लौट रहा है यार, शैतानी नहीं बिल्कुल भी, हमारा मैक्स बड़ा बड़ा हो गया। इसको ये जगह इतनी ज्यादा पसंद है, यहीं बैठा रहेगा। एक तो कूलर, दूसरी बात इसका पूरा वेंटिलेशन। और बादल देखो कितने मस्त वाले बने हुए हैं, मगर बारिश का पता नहीं है। अरे पतंगबाजी शुरू हो गई, अगले महीने 15 अगस्त है, मगर बादल काफी इंप्रेस कर रहा है। टाइम लैप्स लेता मैं जा रहा हूँ मगर अभी फिलहाल, चलो निकलो। वहां से जाके आ गए थे, आज भी नसीब खराब एसेसरीज के मामले में। इतनी दूर गया कनॉट प्लेस, यहाँ अपने घर के आसपास में सब जगह घूमा बहुत दूर दूर तक, मगर नहीं मिल सकी। कहते हैं कि मिलने को छोटी सी जगह पे भी मिल जाती है और ना मिलने को पूरा जहाँ ढूंढ लो कहीं नहीं मिलती। तो फिलहाल अब जा रहा है मुस्तफाबाद में, एक जगह का गोश्त बाकी रह गया था देना, वहां का देते हैं और फिर वहां से वापिस आते हैं। ये मौसम भी पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, बारिश होने का नाम नहीं ले रही, बिजली कड़क रही है और वो देखो इस टाइम चांद बड़े खूबसूरती के साथ में वहां लगा हुआ है। ये पता नहीं कौन से अंदाज में लेटती है, सो फाइनली सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब ए टू जेड हर जगह गोश्त दे दिया है, चलते हैं वापस घर पे क्योंकि रात के 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी फाइनली हम हैं मुस्तफाबाद की गलियों में, मतलब रोड पर। काफी गड्ढे हैं यार, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होता है गाड़ी चलाने में। उम्मीद करते हैं कि सरकार यहाँ के गड्ढे बना ले। फिलहाल तो सेफली पहुँचते हैं धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए। तो फिलहाल हमारी वापस घर में एंट्री हो गई है, रात का 1 बजे का टाइम हो गया है। अभी हमारे डिनर करने का टाइम होगा क्योंकि भूख नहीं लग रही थी बेसिकली, तो रात में ही करेंगे, अब क्या करें। फिलहाल तो मैं एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, देखो बैठा हुआ यहाँ आराम से, इसने रो रो के बुरा हाल कर दिया। वैसे शांत होती नहीं है, मुस्कान बना रही है, पराठे रखी है, नारी नारी के साथ में पराठे फाड़ेंगे, मगर मैं इसको यहाँ चुप कराने का प्रोसेसर कर रहा हूँ क्योंकि पराठे नहीं बन पाएंगे, भूख लग रही है बहुत तगड़ी। आवाज ना निकल जाए, समझ आई तुम्हारे, झूले में आराम से लेटी रहो और झूलती रहो, हमारे पास बैठा हुआ झूला रहा हूँ ना मैं। ये भी अपने मूड की है, जब इसका मूड होगा आराम से खेलती रहेगी, और जब इसका मूड नहीं होगा ना तो ये घंटों तक रोती रहेगी। अब फिर संभालते रहो बार बार, बनाओ यार जल्दी से पराठे बना लो, बस 5 पेड़ है। रोटी नहीं पराठे, अभी नहीं बोलता ना तुम रोटी बना लेती। अब कंट्रोल नहीं हो रहा, भूख लग रही है बहुत तेज की, बस खाने को मिल जाए। अपने लिए एसेसरीज के लिए मेरा पूरा बैड लग रहा, कल भी परसों भी और आज भी ढूंढने गया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जगह जगह मिलती है, जो चीज हमें चाहिए होती है वही चीज नहीं मिलती है। आवाज तो नहीं निकली तुम्हारी, निकलनी नहीं चाहिए बेटे, अब झूले में से उठा के बाहर फेंक दूंगा, समझ में आई। लो भाई यार कैसे ही रो पड़ी, ये कंटिन्यू चलता रहता है सिस्टम। ऐसी सिचुएशन में एक बात ध्यान आती है कि हम भी तो कभी छोटे थे, हम भी तो पहले कभी परेशान किया करते थे, तो इसलिए जनरेशन का काम। एंड बाय द वे बच्चे तो परेशान करते ही हैं, ये हर बच्चा हमारी उम्मीदों पर हमारी बातों पर पूरा खरा उतरता है। बेटा इतना परेशान नहीं करते, इतना नहीं होते, मतलब तुम्हें ऐसे ही खालों में झूले समय। बस 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 यार क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, प्रॉब्लम क्या है बताओ, क्या जलाओ, झूला झुला रहा हूँ यार, वो नहीं चुप हो रही फिर भी, भाई क्या करूँ मैं, बस यही तो काम रहेगा, झूले में से निकालता रहूँ, कंधे से लगाता रहूँ, घुमाता रहूँ, गोद में लेता रहूँ, बस है ना, क्या किया जाए, क्या किया जाए, रीजन बताओ रोने का। बच्चे की ये बड़ी समस्या होती है कि वो बोल नहीं सकता, रोने का नहीं है बिल्कुल भी। फाइनली स्टेज पे गोद में लेना पड़ा, अब मिला सुकून या नहीं मिला, एक इम्पोर्टेंट काम बस यही करना पड़ता है। क्या कारनामा किया, इतना तेल क्यों लगा रही हो, हल्का हल्का तेल लगाओ ना यार, तेल तो मैं बहुत लाइट लगा रही हूँ, 10 मिनट में बच जाएंगे। हाँ? इतनी मुसीबत से चुप करा के तुम्हें लिटाया था, आज फिर रोना, मतलब अब दोबारा रोना शुरू, बस चलो लो। इतने लंबे टाइम के बाद हमारी गर्मों के आ गई है नारी और साथ में पराठे, लजीज मजेदार पराठे, मजा आ जाएगा। क्या पराठे बनाए तुमने छिलके से यार, चलो बाय द वे पहले खाते हैं खाना, नारी और साथ में पराठे, भूख लग रही है तड़कती फड़कती। ऑलराइट, अब करते हैं सारे व्लॉग की यहीं पर समाप्ति। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। रही जिंदगी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।